कौन जाने। आंध्र प्रदेश के इस छोटे से गांव अमरावती से होकर गुजरती इस कृष्णा नदी की बहती धारा के अंतर में इसके किनारे बसने वाले कितने ही लोगों के जीवन और सपने का मर्म छुपा है। दो ऐसे ही लोगों के जीवन और सपने की कहानी है भावावेश। जब कहानी जन्म लेती है तो कृष्णा नदी की बहती धारा एक पल के लिए ठिठक जाती है। एक ऐसे ही ठिठके पल की कहानी है भावावेश। जी यहाँ पे सामान पहुँचाने वाला मिलेगा कोई? अरे मैं हूँ ना, बोलिए किधर जाना है? मौसी के यहाँ। मौसी के रंगाया गारू? अच्छा वो जिसकी कपड़े की दुकान है वही ना? हाँ हाँ चलिए। कितना पैसा लोगे? अरे एक रुपया दे देना, उसमें क्या है। लेकिन मौसा ने तो अठन्नी देने के लिए कहा है। ठीक है, रंगाया गारू ने कह दिया है तो फिर बताओ क्या करना है। चलो और ये कनका की। अरे आप लोग तो कितने दिनों के बाद मिले हो, मुझे तो भूल ही गए आप लोग। अरे कौन भुला तुझे, बच्चों की पढ़ाई में कहीं आने जाने के लिए वक्त ही नहीं मिला। जीजा जी कैसे हैं? वो ठीक है, उन्होंने अपने साली के लिए कुछ भेजा है। अच्छा क्या है? पैसा, सामान। हमारी दुकान का काम करते हो ना? जी। तो पैसा भी मालिक से ही ले लेना। हा? जी हाँ जाओ। अच्छा जी जाओ, जल्दी जाओ। और हाँ दुकान में बोल देना कि गुंटूर से मेहमान आए हैं। ठीक है जी। ठीक है। अरे ये तो कितनी खूबसूरत लग रही है। ये दोनों तुम्हारे बेटे हैं, लेकिन ये कौन है? पुजारी जी ये कनकांगी है, ये मेरी बड़ी बहन और ये इसकी बेटी। स्कूल के इम्तिहान अभी खत्म करके आई है। वाह, इसकी आंखों में तो देवी की आंखों की चमक है, चेहरे पर तेज है, धर्म मर्यादा का पालन करेगी। पहुंचो बेटी। जीती रहो बेटी, सदा सुखी रहो। मैंने कहा था ना कि तू बहुत ही सुंदर दिख रही है। पूजा के फूल ला, मैं लगा देती हूँ। कल तेरे मौसा भी कह रहे थे कि अब तेरी शादी कर देनी चाहिए। हाँ हाँ, इधर ही शादी करना, बड़ा मजा आएगा। हाँ तरह तरह की मिठाइयाँ खाने मिलेगी। चलो कनकांगी। अरे माँ। अरे बेटा तू मंदिर होके आ गया? हाँ माँ हो आया। माँ मैंने वहाँ पे मौसी को देखा, लगता है उनके कुछ मेहमान आए हुए। अच्छा हाँ, श्री बता रही थी कि पद्मा आने वाली है, इसका मतलब पद्मा आ गई। चलो अच्छा है, हमने बुलाए भी हुए ना, कल कल वो लोग आ जाएंगे, खुद ही आएंगे, है ना? अच्छा तू चल, मैं जरा जरूरी काम से जा रही हूँ। अच्छा माँ।
वाह, इसकी आंखों में तो देवी की आंखों की चमक है, चेहरे पर तेज है, धर्म मर्यादा का पालन करेगी। मैंने कहा था ना कि तू बहुत ही सुंदर दिख रही है। आज सांझ को भदैया गारू के यहाँ दावत है, वहां जाना है। तुम भी तैयार हो जाना, तुम्हें भी चलना है। और हाँ, अपने झूड़े के लिए फूल मंगवा देना, भूलना नहीं। और मेरी वो गुलाबी वाली साड़ी है ना, वो ही पहनना तुम, उसमें तुम गुड़िया लगोगी। पर मौसी, अनजान लोगों के सामने जाने से डर लगता है मुझे। डर? डर क्यों लगता है भाई? अरे तुम कोई लूली लग रही हो, तुम तो इतनी सुंदर हो। अगर मैं तुम्हारी जितनी सुंदर होती ना, तो ऐसे सर उठा के चलती जैसे दुनिया को जीतने के लिए निकल पड़ी हूँ। अरे रे रे बहन, अच्छी तरीके से खाइएगा, कोई शर्म नहीं, कोई संकोच नहीं। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। सुंदर लग रही हो। शरारती है अभी भी। श्री कैसी हो? मैं ठीक हूँ। और ये कनकांगी, हीरा, कितनी सी थी, सुंदर सी गुड़िया, कितनी बड़ी हो गई, कितनी सुंदर है। ए कनकांगी, तुझे पता है तेरी माँ और मैं बहुत अच्छी सहेलियाँ थी। हाँ, हमारा तो उठना बैठना, खेलना खाना सब साथ में होता था। बस यूँ समझ ले कि सगी बहन ही नहीं थे हम, वरना तो बहन से ज्यादा ही थे। चलो चलो बैठो बैठो बैठो। जी माँ, सर आपके बारे में बात क्या करती है? आप दोनों ने बचपन में अपने गुड़िया का लिबास, हम दोनों ने गुड़िया के विवाह का लिबास एक हफ्ते में तैयार किया था, है ना? और कितने सलमा सितारे लगाए थे। दोनों ने झगड़ कर दो कपड़े भी फाड़ दिए थे। और 12 घंटे हम दोनों की बातचीत भी बंद रही थी। और फिर मैं रोक नहीं सकी, रात को दौड़ी दौड़ी चली आई थी, याद है? सब याद है। और उसके बाद हम दोनों गले लिपट के घंटों रोते रहे थे। अरे क्या आप लोग बातें ही करती रह गई और कुछ खाया भी नहीं? अरे हाँ हाँ, ये हमारे यहाँ की स्पेशल मिठाई। मैं तो बातचीत में भूल ही गई। लो कनकांगी, ये मिठाई खाओ, खाओ ना। माँ की तरह ही शर्मीली है ये भी। तू इसे मिठाई खिला, इसकी माँ और मौसी को मैं संभालती हूँ। हाँ। चलो आ जाओ तुम लोग मेरे साथ। लो श्री, लो भाई, चल चल। लो ये मिठाई चख के देखो। नहीं इतना नहीं, थोड़ा सा। थोड़ा सा? अरे आज तो आप हमारी अतिथि हैं और अतिथि का सेवा सत्कार करने का अधिकार आज हमारा है। सेवा करना या अपनी बात मनवाना? हर इंसान अपनी बात मनवाना चाहता है। आप, मेरा मतलब तुम नहीं चाहती थी? सच बताऊं, मेरा हमेशा से एक सपना रहा है कि मैं एक छोटी सी डाली की एक नन्ही सी कली जो एक दिन खिलकर फूल बन जाएगी और फिर उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाएगी। और फिर तुम कविता वगैरह लिखती हो क्या? नहीं, मैं कविता नहीं लिखती, सपने देखती हूँ। मैं एक चिड़िया की तरह पंख फैलाकर खुले आसमान में उड़ना चाहती हूँ। और आप? तुम? मैं तो चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन हो कि मैं अपनी चिड़िया को एक ऐसा सोने का पिंजरा बना के दूँ जिससे उसकी उड़ने की चाहत ही ना रह जाए। तुम तो उसके पंख कतर दोगे, उस चिड़िया से उसका आसमान ही छीन लोगे। मैं किसी से कुछ नहीं छीनूंगा, बस मैं उसे इतना प्यार करूंगा कि वो अपने सारे अरमान सारे सपने मेरे हवाले कर देगी। डर लगता है ऐसी बातों से? डरती हो, जानती हो क्यों? क्योंकि तुम हमेशा अकेले सपना देखती हो, अपने सपने में किसी को शामिल नहीं करती हो। जिस दिन कर लोगी, खुद
खुद जान जाऊं। अरे तुम दोनों भी बचपन की बातें लेके बैठ गए क्या? नहीं मौसी, ये मुझे अपने बचपन की नहीं अपने भविष्य की बातें बता रहा था। बता रहे थे। अच्छा अभी से? अच्छा राइडू, तुम नई दुकान खोलने वाले थे ना, क्या हुआ? हाँ मौसी, मैं जेवर की दुकान खोल रहा हूँ, बल्कि मैंने दो दुकानें खरीद भी ली हैं चौक में। यहाँ के लेटेस्ट जितने भी फैशन के जेवरात हैं वो रातों रात मद्रास से आ जाया करें। लेकिन इन सब चीजों के लिए लोगों के पास यहाँ पर पैसे हैं क्या? मौसी पैसा होता नहीं है, पैसा बनाना पड़ता है। पैसा बनाने और लाने के लिए रास्ता दिखाने की जरूरत होती है। आपके अंदर उधार देने की ताकत हो ना, तो आपका जो बिजनेस है, आपकी जो दुकान है, चलने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। कनकांगी मत जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। नहीं, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता, चाहे मुझे अपने आप को कितना भी क्यों ना बदलना पड़े। हर इंसान अपनी बात मनवाना चाहता है, आप मेरा मतलब तुम नहीं चाहती क्या? मैं तो चाहता हूं कि मेरे पास इतना धन हो कि मैं अपनी चिड़िया को एक ऐसा सोने का पिंजरा बना के दूं जिससे उसकी उड़ने की चाहत ही ना रह जाए। मैं किसी से कुछ नहीं छीनूंगा, बस मैं उसे इतना प्यार करूंगा कि वो अपने सारे अरमान सारे सपने मेरे हवाले कर देगी। कल जन्मदिन के मौके पर सब लोग इकट्ठा हुए, सच में दिल खुश हो गया। और एक बात बता, तू भी तो कनकांगी से बड़ी खुल खुल के बातें कर रहा था, पसंद है क्या? माँ, माँ मैंने सोच लिया, बल्कि रात भर सोचता रहा, जैसा कि आपने कहा था, शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। बाकी उसे राजी करवाना आपका काम। सच? सच कहूं बेटा, तेरी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। तू चिंता मत कर, मैं बात करूंगी। चल अब नाश्ता खा। रमा, अरे आप यूं अचानक? बस ऐसे ही अचानक। मैंने सोचा अचानक चल के तुम लोगों को चौंका दूं। आइए, एक पंत दो काज, तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी और बात भी पक्की हो जाएगी। अरे आप दोनों सहेलियां इतने दिनों के बाद मिली है, बातें कीजिए, हम तुम्हारे लिए कुछ लेके आते हैं। बात कब पक्की करनी है? पद्मा सच कहूं, लगता है ईश्वर ने मेरी सुन ली, राइडू ने कनकांगी को बहुत पसंद किया है। अच्छा माँ, बचपन में हम एक सहेली की तरह एक रिश्ते में बंधे, फिर हम अलग हो गए, आज फिर से हमारे एक रिश्ते में बंधने का समय आ गया है, लगता है ईश्वर ने हमारी सुन ली है। रमा, पहले भी सब कुछ तेरे हाथ में था, आज भी सब कुछ तेरे हाथ में है, जो तू ठीक समझे वैसा कर। अब क्या सोचना समझना है, मैं तो सोच समझ के ही आई हूँ, बस तू तारीख तय कर दे, कह दिया मैंने। अच्छा वो पत्री वगैरह मिलाना? ओहो, कैसी बातें करती है ये, जब दिल मिल गया तो फिर पत्री वगैरह मिलाने का क्या मतलब है? रमा मैं तेरी जिद को जानती हूँ, जा तारीख तय कर ले और मुझे बता दे। तुम्हारी बेटी तो थी ही, अब तुम्हारी बेटी भी है और बहू भी। मेरी तरफ देखो तो सही। अच्छा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। अच्छा अब हम इसे आपके गले में पहनेंगे।
कैसा ये? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। ये सब कीमती सामान लेकर अब मैं करूंगी क्या? तुम प्यार करती हो, प्यार का इजहार करती हो अपने ढंग से। ये उपहार नहीं है, बेशकीमती सामान भी नहीं है, बस मेरे प्यार करने का एक तरीका है। अब मैं परेशान हो गई हूं इन सब चीजों से। कभी कभी तो सोचने लगी हूं कि तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक गुड़िया हूं जिसे तरह तरह से सजा कर तुम देखते रहना चाहते हो बस। मैं आगे पढ़ना चाहती हूं। ये क्या पागलपन है? आगे पढ़ाई करना चाहती हो? क्यों, नौकरी करनी है क्या? पढ़ाई क्या सिर्फ नौकरी के लिए की जाती है? अच्छा मुझसे बहस मत करो, वैसे ही दुकान का बहुत सारा काम पड़ा है मेरे सिर। और मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में किसी भी तरह की कोई समस्या हो। हाँ क्या है? अरे सोफा सेट खूबसूरत है ना? बहुत सुंदर है। और ये मूर्ति खूबसूरत है ना? ये तो बहुत खूबसूरत है, सच कहूं बिल्कुल तेरे जैसी। हाँ भी ना, शादी को 3 साल बीत गए फिर भी। यही तो बात है, जैसे जैसे साल बीत रहे तेरे चेहरे की चमक दमक और बढ़ती जा रही है। मुझे तो लगता कहीं मेरी नजर ही ना लग जाए, तो तुझे काला टीका लगा दूं। हाँ भी छोड़िए। अच्छा बताइए, ये सोफे का रंग इस दीवार के साथ ठीक से जा तो रहा है? अरे बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। सच कहूँ कनकांगी, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि तूने खाली समय से बचने का तरीका ढूंढ निकाला है। बस अब तू इसी तरह से बाकी सब काम संभाल ले। और एक बात, जब 25 की हो जाए तो मुझे एक नन्ना सा। अभी शादी को 3 साल बीत गए, यानी 21 की होगी, मतलब और 4 साल बचे हैं 25 के होने के लिए। हैं? मतलब तू जल्दी 25 की होना चाह रही है ना? मैंने ऐसे तो नहीं कहा। बड़े मालकिन, कपड़ा। हाँ हाँ आई। अब तू ना ये काम भी संभाल ले, कपड़े ठीक से रखना, ठीक से गिनवाना, और सुन ये इस धोबी को ना जरा डांट के रखना, कपड़े जलाएगा नहीं। ये ले उसकी डायरी ले। जी चल। ऐसी डांट पिलाऊंगी कि टकुआ जैसे सीधा रहेगा। चल। सलाम छोटी मालकिन। सलाम करके मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। कपड़ा ठीक से धोना, एक भी कपड़ा खराब निकला ना तो पैसा काट लूंगी, समझ लो। मेरे धोने की कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं की है छोटी मालकिन। किसी ने ठीक से देखा नहीं होगा, लेकिन मेरी आंखें बहुत तेज है, याद रखना। जी छोटी मालकिन। लोग कहते हैं कि आप तो बहुत ही नरम दिल की हैं। अब चापलूसी मत करो। नाम क्या है तुम्हारा? तंगड़ू। सुना है पढ़े लिखे हो? मिडिल बोर्ड का इम्तिहान पास किया था, मगर बाप दारू पीने लगा और घर को डूबने से बचाने के लिए मुझे ये सब काम धंधा संभालना पड़ा। पढ़ाई छूटने का अफसोस नहीं होता? कभी कभी, मगर माथे के लिखेगा क्या करूं। शादी हो गई है ना, फिर पढ़ाई छूटने के अफसोस के तूफान को दबाते कैसे?
सच बताऊं छोटी मालकिन, नदी किनारे जाके गाना गाता हूँ। तुम गाना जानते हो? एक मिनट, अत्तैया गारू, अत्तैया गारू। आप बड़ी मालकिन को आई। हाँ, ये गाना जानता है। ठीक है, अभी पता चल जाएगा तुम सच बोल रहे हो या झूठ। गाओ। सी के सामने कभी गाया नहीं है। तो क्या हुआ? आंखें बंद कर लो और सोचो कि तुम नदी किनारे हो। अच्छा, आप कहती हैं तो राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए। कोई बात नहीं, चलो मान लेते हैं कि तुम अच्छा गाते हो। अब कपड़े लिखाओ। 17 हो गए बीवी जी। नमस्ते छोटी मालकिन, ये कपड़े धोने के लिए बांध लो। हाँ। सांगरू। हाँ मालकिन। तुम रात में सोते हो? कभी सोता हूँ, कभी नींद नहीं आती, कभी नींद टूट जाती है। नींद टूट क्यों जाती है? नदी का बहता पानी सपने में आ जाता है और उसमें से कभी कभी एक परी निकल के आती है। परी? परी कैसी होती है? ठीक आपकी तरह। कपड़े मिलवा। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, ये सपने टूट क्यों जाते हैं? सपने जब भारी होते हैं और अपने हाथ उनका वजन उठा नहीं पाते तब वो टूट जाते हैं। मेरे सपने ऐसे नहीं टूटते, वो टूटते हैं क्योंकि आप जैसी वो परी होती है ना, वो पानी की लहरों में छुप जाती है। बहुत पुकारता हूं मगर बहुत सताती है। कौन जाने, कहीं तुम भी सताते होगे। मैं? ये क्या है? क्या कुछ भी तो नहीं? कुछ भी नहीं। क्या ये जरी साफ है? क्या तुम कुछ भी महसूस नहीं कर रहे हो? Thank you.